छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। आपके कारोबार में जो गर्दिश है ना, प्लूटो की वजह से। मगर प्लूटो तो बहुत दूर है ना। जी जी, आपके मुश्तरी के चौथे घर में एक मेहमान की जगह खाली है, बस प्लूटो इस मेहमान को नहीं आने दे रहा। मेहमान? कैसा मेहमान? एक चटियल सैयारा आपके घर में कुछ दिन कयाम करेगा, तभी आपके कारोबार की बंदिशें दूर होगी। तो तारा बाबा आप ही कुछ करें ना। हाँ, अब इसके लिए मुझे नेपच्यून अमल करने के लिए जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पता है ट्रैवलिंग और इसकी फीस चाहिए होती है। जी जी जी, वो तो है। कितने पैसे लग जाएंगे? यही को 8-10 हज़ार। आपको तो पता है आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, और आपसे पैसे लेते हुए वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अरे तारा बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये लीजिए, मैं अभी देती हूँ पैसे आपको। जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि बस अब आप इंतजार करें चटियल मेहमान सितारे का। हाँ हेलो, बस तू फिक्र ही ना कर, फौरन आ जा यहाँ पे। अबे मैंने पूरी सेटिंग कर दी तेरी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? अबे 2-4 दिन मुफ्त में आराम करना और फिर चल जाना। लेकिन मैं बोलूंगा क्या कि मैं हूँ कौन? अबे यार, मैंने ऐसी सेटिंग की है, किसी की जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, डायरेक्ट एंट्री। और अगर गलती से किसी ने पूछ भी लिया तो कुछ भी बन जाना यार, हेयर स्टाइलर बन जाना, ड्रेस डिजाइन, कुछ भी बन जा यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। खुदा के वास्ते किसी को ये पता ना चले कि तुम माली है, ठीक है? चल ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चल भाई, काम बन गया। अरे जवाब तो दो, कौन है भाई? जी कौन है? जी मैं विक्की। विक्की है तो मतलब आप जवाब ही नहीं देंगे? वो दरअसल मैं आपका मेहमान हूँ। किसके मेहमान हैं आप? यहाँ तो कोई मेजबान नहीं है, पूरा रास्ता जाए। आप गलत समझ रहे हैं, मैं मेहमान हूँ आपका। ओ भाई, एक ही बात बार बार दोहराऊं क्या? यहाँ पे कोई मेहमान कोई मेजबान नहीं है, इंतहाई बदतमीज और बदखलाक लोग रहते हैं। चलो जाओ, वो रहा वापसी का रास्ता, जाओ जाओ, चलो चलो। नहीं, मैं मेहमान हूँ आपका। लड्डू जी, कौन है, किससे लड़ रहे हो? अरे मम्मी जी देखिए ना, इतना बड़ा सितारा, मतलब घर में मेहमान घुसा चला आ रहा है। अच्छा तुम पीछे हटो, मैं देखती हूँ। अरे प्लोटो तुम हटो बीच में से। अरे मम्मी जी मैं लड्डू, तुम प्लोटो हो और ये हमारा मेहमान सितारा। मेहमान सितारा आओ आओ। आप इनको जानती हैं? अरे इन्हीं का तो इंतजार था। प्लोटो तुम हटो बीच में से, आइए आइए आप आइए। अरे क्या करिए मम्मी जी, एक अजनबी को घर में घुसेड़ लिया आपने, मैं लड्डू से प्लूटो हो गया। अबे नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम विक्की है। यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, हमारे जानने वाले यहाँ हैं, उन्होंने जो पता दिया था वहाँ तो सिर्फ खाली प्लॉट था, मुझे लगा कि यही घर होगा। अरे हाय क्या खेल है कुदरत के, वाह तारा बाबा आप तो कमाल निकले। अच्छा एक बात और बताओ। गुलाम बस अब थानेदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, बेचारे विक्की को तंग ना करें, और अब ये इधर ही रहेंगे हमारे पास, है ना बेटा? हमेशा भाई जब तक दिल चाहेगा, क्यों विक्की बेटा? जी आंटी बस मैं आपके पास 1-2 दिन के ही मेहमान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, और हाँ गुलाम और लड्डू आप दोनों कान खोल कर सुन लें, जब तक विक्की यहाँ है ना इसका बहुत ख्याल रखिएगा। मगर मेरे जहन में भी एक बात आ रही है, आप करते क्या है? वो दरअसल मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं? आपके अपने बाल कहाँ गए? समझ गया। इनका अपनी हेयर स्टाइलिंग पे बख्शाया ना हो, इसलिए इन्होंने अपनी सपाट टिंट करवा रखी है। गुलाम और लड्डू, अरे घर आए मेहमान से इस तरह बात करते? और वैसे भी पापा, स्टाइलिश लोग ऐसे ही होते हैं, आप दोनों को तो कुछ पता ही नहीं है, बस हंसते रहते हैं हर बात पे। बगैर बालों का हेयर स्टाइलिश मैंने आज देखा है।
लड्डू चलो विक्की को गेस्ट रूम में लेके जाओ। आए चल। ससुर जी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक काम करें। बर्तन नहीं धोऊंगा बता रहा हूँ, मैं सफा बता रहा हूँ। कभी किचन से बाहर निकल के भी सोच लिया करें। अच्छा बताओ कौन सा तुम साइंसी आइडिया लेके आए? साइंसी नहीं मुआशी आइडिया लेकर आए। अल्लाह अब तो लग रहा है कि अब तो लेने के देने पड़ने वाले हैं। अरे नहीं ससुर जी हम इस हेयर स्टाइलिस्ट के नाम पर बुकिंग करेंगे, उनसे एडवांस लेंगे और अपना कमीशन पहले से साइड कर लेंगे। काम कौन करेगा उनका? ये मोटा है ना विक्की, यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा क्या? अरे यार यार ये सपाट टिंड वाला जो है ना इसको देख के मुझे शक होता है कि ये हेयर स्टाइलिस्ट है ही नहीं। अरे नहीं ससुर जी ये ऐसे होते हैं, मैंने देखा टीवी के ऊपर ऐसे गंजे होते हैं सारे। बात सुन अगर ये आखिर में हेयर स्टाइलिस्ट ना निकला ना तो लोग हमें तबीयत से हमारी हजामत कर देंगे। अरे ससुर जी आप तो हर वक्त मनफी सोचते हैं, क्यों फिकर करते हैं? मैं हूँ ना। अरे यही तो फिकर की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने, बातें हो रही हैं ना, थक गए होगे। काम कौन करेगा? वो भी हम करेंगे बेगम, और कौन करेगा? मैं ऑफिस जा रही हूँ, विक्की का खास ख्याल रखिएगा, दोनों से कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय मम्मी जी, आज जरा देर से ही आइएगा। दिमाग तो ठीक है ना, देर से आइएगा, सारा काम कर लेना, बैठे यहाँ गप्पे ना मारते रहना। खुदा हाफिज। बल्कि खुदा ही हाफिज। यार मेरा प्लान कैसा है? अच्छा है यार है। हाँ यार ये गंजपन तो अब कोई मसला ही नहीं है। यार मेरे हाथ ऐसा हेयर स्टाइलिश आया ना कि तुझे क्या बताऊं। विक्की का नाम सुना है तूने? बस वही है यार, पैदाइशी गंजपन भी हो ना तो हरियाली हरियाली होती है। हाँ 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 ठीक है चलो के। ये मैं क्या सुन रहा था? अरे मुझे क्या पता आप क्या सुनते थे आ रहे प्यारे मियाँ। अरे नहीं भाई ये जो तुमने गंजपन की बात की है। प्यारे मियाँ मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मैं तो किसी गंजे को उसके गंजपन का हल बता रहा था। अरे लड्डू मियाँ तुम सारे काम करते वक्त खैर को बताते हो, तुम्हें आस पास कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता। मैं समझ गया प्यारे मियाँ, आप भी अपने सर पे बाल उगवाना चाहते हैं ना? चाहता नहीं हूँ मगर अब तो उगवा के रहूंगा, जा रहा हूँ विक्की के पास। अरे रे कहाँ जा रहे हैं? भाई बाल लगवाने। अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई कि मुंह उठा के घुस के जाके बाल लगवा लेंगे आप अपने? एक बात बता दूं अगर विक्की साहब ने बाल लगवाने तो पहले से टाइम लेना होगा, और बाल लगवाने की जो कीमत है पूरे 50,000 है। हाँ और उसका एडवांस पहले देना होगा वो भी आधा। भाई पैसों का मसला नहीं है, मेरा काम तो हो जाएगा ना। प्यारे मियाँ आपकी बंजर जमीन पर ऐसी हरियाली होगी कि मोहल्ले की सारी लड़कियां देखती रह जाएंगी। क्या बस देखती रह जाएंगी? फिर मैं काम नहीं करवा रहा। अरे क्यों भाई? खाली देखने से क्या फायदा, देख के मुझे छेड़ेगी तभी तो बात बनेगी ना। वाह प्यारे मियाँ वाह, क्या ख्वाहिश है आपकी भाई। अगर ऐसा है ना तो डील कैंसिल। अरे रुके रुके रुके, मेरा मतलब है कि मोहल्ले की लड़कियां सिर्फ आपको देखेंगी नहीं बल्कि छेड़ेंगी भी। बस तो फिर मैं एडवांस के पैसे लेकर अभी आया। बस आप एडवांस के पैसे लेकर सीधा घर आइएगा, बस जल्दी आना मैं घर जा रहा हूँ। कुछ लड़कियां देखे मुझे मुझे तंग करे या देखे देखे या आपके अंदाज से कहीं गिर ना जाए। विक्की भाई जब तक आप यहाँ पे हमारी भी कुछ मदद करें ना। कैसी मदद? यही कि हम अपने जानने वालों की ना कुछ हेयर स्टाइलिंग के और ट्रांसप्लांट की बुकिंग कर रहे हैं, आपकी जो भी फीस हो आप ले लीजिएगा, जो बचेगा वो हमारा। नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, जब आप बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं हेयर स्टाइल और ट्रांसप्लांट। कहाँ खो गए, क्या हो गया? नहीं नहीं ठीक है मैं राजी हूँ। लेकिन ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और एक बात बता दूँ, मम्मी जी तो चली जाती हैं ऑफिस, तुमने रहना हमारे साथ ही है। हाँ रहने देंगे तब की बात है ना। जी जी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, काम हो जाएगा। हो जाएगा। अरे वाह क्या बात हो रही है यहाँ पे। कुछ नहीं हनी, हम तो विक्की भाई से उनके काम की तफसीलात ले रहे थे। अच्छा वैसे विक्की भाई मुझे भी आपसे एक बात करनी है। कहूं? हाँ। वो मुझे भी कोई अच्छा सा आप हेयर स्टाइलिंग दीजिए ना। अरे क्यों नहीं भाई, घर वालों का तो ज्यादा हक होता है और वो भी फ्री में। सच में?
अब सुने आप पक्का बोलिए ना। जी 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 पक्का पक्का यस पक्का है भाई। अब बाबरा शरीफ बना लीजिएगा इसका। तू क्या मक्के के भुट्टे जैसे बाल है तेरे? ऐसे भी कोई बाल होते हैं क्या? मेरे तो ऐसे ही होते हैं। यही तो मसला है तुम लोगों का, तभी तो कोई शख्सियत नहीं है। अब मुझे ही देख लो तुम लोग। मगर मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है इस्लामाबाद से, उसका नाम है विक्की। ये जो अपना फवाद खान है ना, ये फिल्मों और ड्रामों में उसी से अपने बाल बनवाता है। तो मैं क्या करूं? पूछ रहा है मैं क्या करूं? तेरा दिल नहीं चाहता दुनिया तेरे बाल देखे, तारीफ करे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो तेरे बालों में हाथ फेरे और बोले क्या गुड़िया जैसे बाल है। मेरा दिल चाहता है ना। हाँ लड्डू भाई मेरा भी दिल चाहता है। हाँ हाँ लड्डू भाई मेरा भी दिल चाहता है। तो फिर इधर आओ, तुम लोग सब 2,000 रुपए लेकर आओ और मुझे जमा करा दो। 2,000 में तो मैं 2 साल तक बाल कटवा सकता हूँ और साथ शेप भी। तो 2 साल तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी और 2 साल में कोई लड़का भी तुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है मैं पैसे लेकर आता हूँ। तुम लोग मेरे खास दोस्त हो ना, मैं उससे तुम लोगों के लिए टाइम निकलवा लूंगा। जाओ पैसे लेकर आओ। जाओ ठीक है ठीक है ठीक है। तुम भी लाओ तुम भी लाओ। चलो चलो शाम में आना। जाओ 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 बाद में आना। विक्की भाई इन दोनों के ना बाल आपने ऐसे बनाने कि ये इंग्लिश फिल्म का हीरो लगे और इसको विलन बनाना। कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। 2000 देकर भी कोशिश लड्डू भाई? तो भाई अपनी शक्लें भी तो देखो, मैं तो बना दूंगा हीरो जैसे बाल, उसके बावजूद भी ना लगे तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। विक्की भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस तुम लोग एडवांस के पैसे देते जाओ। शाबाश ला। लेकिन स्टाइलिंग के लिए कब आऊं? विक्की भाई कोई टाइम बताए ना कब आए। रात में। चलो भाई रात को आना। चलो नहीं रुको 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 यार, क्या अजीब बातें कर रहे हो यार, रात में तो बेगम आ जाएंगी दफ्तर से, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। तो विक्की भाई कोई दूसरा टाइम बताएं, शाम में। अच्छा शाम में बुला लो। चलो चलो शाम को आना। चलो चलो जाओ 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 चलो जाओ शाम को आओ जाओ शाम को आओ। कुछ लड़कियां देखे मुझे मुझे तंग करे इस प्यार से याहू। लो भाई हम आ गए। कहाँ है वो ट्रांसप्लांट करने वाले? अरे प्यारे मियाँ ये रहे। ये अरे भाई ये तो खुद गंजे यकना शुद्ध दो शुद्ध। आपने वो मिसाल नहीं सुनी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा घास से। गुलाम साहब आप मिसाल गलत दे रहे हैं, या मिसाल ये बनती है चिराग तले अंधेरा। वाह प्यारे मियाँ वाह, क्या प्यारी बात की है आपने। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये है हमारे मशहूर मायानाज द ग्रेट हेयर स्टाइलिस्ट विक्की साहब। तो ठीक है ये बताएं कि मैं कब आ जाऊं अपना सर लेके। रात नहीं 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 शाम में शाम में शाम में शाम में आ जाए। बहुत खूब बहुत खूब। अरे प्यारे मियाँ कहाँ जा रहे हैं, एडवांस तो देते जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ लड़कियां देखे मुझे मुझे तंग करे इस प्यार से। अरे विक्की साहब आप कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम। अबे तो वहां तो पौधे लगे हुए सारे भाई, वॉशरूम जाना है तो देखो एक काम करो सीधा से यूं मुड़ेंगे फिर उल्टे आते कोने पे है। अबे उठाओ ना। आमे बशीर कैसे हो, मजे में तो हो ना? खाक मजे में हूँ। क्यों क्या हुआ? क्या हुआ क्या, पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया। खाता मैंने मुझे चरपाई किराए पे ले दो, अब कैसे करूँ स्टाइलिंग इनकी। अच्छा बात सुन, एक काम कर, बस ठीक हो गया, डन हो गई। ओके विक्की भाई
विकी भाई। क्या है लड्डू? हाँ विकी भाई, ये मेरा बचपन का दोस्त, मेरे जिगर का टोटा, मेरा दोस्त बिट्टू। सलाम अलैकुम। वालेकुम सर। कौन है ये मौजूद शख्सियत? अरे यही वो मौजूद शख्सियत तो तुम्हारे बाल काटेंगे, दी ग्रेट हेयर स्टाइलिस्ट दी विकी। क्या ये मेरे बाल काटेंगे? अबे इसकी तो खुद जमीन खुश खुशहाली का शिकार है। अबे इनके लुक्स पे मत जाइए, इनका स्टाइल है। ये कैसा स्टाइल? अबे ओए ओए, अबे ये किसको ले आया अब? अरे ससुर जी कमाल करते हैं, आपने नहीं पहचाना? मेरे बचपन का दोस्त, वही पुराना जाना पहचाना, मेरा वन एंड ओनली फ्रेंड बिट्टू। हाँ, अरे हाँ हाँ, कौन बिट्टू? अरे छोड़ो ना चचा, बेटी का हाथ तो इसके हाथ में दे दिया, अब मुझे क्यों पहचानोगे? जाओ एक गिलास पानी पिलाओ। अच्छा यार, देख पानी मांग रहा है मुझे यार। ओ बिट्टू, तमीज से, मेरे सुसर हैं। हाँ तो मेरे तो नहीं है ना, मेरे तो होते होते रह गए, और वैसे भी पानी मंगाया, पानी तो सवाब का काम है। जाओ चचा पानी पिलाओ, आगे भी बड़ा काम आएगा आपको। अरे बस कर यार, तू तो बहुत ही मुंह फटे, तू छोड़ ना यार। विकी भाई आप इसकी स्टाइलिंग शुरू करें। ला तुम जैसा कर दो। देखो चचा, इस पूरी दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है पैसा, और ये मुझसे बार बार पैसे मांग के मेरे जख्मों पे काला नमक छिड़कता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तू बाद में देना, तू कहां भागा जा रहा है? ठीक है, किस्तों में दूंगा, एक रुपया रोज। अच्छा चल, आप इसकी स्टाइलिंग शुरू करें, लेके जाए इसको। मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, बस खत्म हो गई ना बात, आप इसको लेके जाए, कटिंग शुरू करें, स्टाइलिंग करें, पप्पू बना दे बिट्टू को। चलिए आइए अंदर, आपके बाल काट देता हूँ। मैं नहीं कर पा रहा। अबे बात सुन, अबे बिट्टू राजी हो गया। अबे बिट्टू, हजार का नोट निकल गया हाथ से। लड्डू 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 जी, विकी भाई आया। बैठो ना। कैसे हो लड्डू? ठीक हूँ। लड्डू शाम होने वाली है। हाँ तो बस सब लोग आते ही होंगे, तो लाओ मेरी एडवांस फीस दो। देखो भाई लड्डू, मैं हमेशा पूरे पैसे देता हूँ, वो तो इस घर की मालकिन का एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे मेहमान बना के रखा, इसीलिए आधे पैसे दे रहा हूँ। मैंने तो तमाम कस्टमर से लिए ही आधे हैं। तो क्या हुआ लड्डू, वो पैसे तुम मुझे दे दो, जब बाद में आएंगे तो तुम रख लेना। पक्का? पक्का। अच्छा ये ले, पूरे 32,000 रुपए। थैंक यू लड्डू। विकी भाई मेरी बारी कब आएगी? हाँ सबसे पहले मेरी हनी को स्टाइलिश बना दे विकी भाई। आप बोलो। देखो लड्डू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मसला हो जाएगा। विकी भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस आप आएंगे और मेरी सबसे अच्छी स्टाइलिंग करेंगे। हाँ। चलें। और कोई मसला नहीं होगा, मुझे पता है ना। हाँ। वरना हमारे पैसे वापस करें। चलें। हाँ, दे। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो मैं बाल काट देता हूँ। उफ ला, तौबा तौबा, ला ला, इतनी गर्मी है, मेरा तो बुरा हाल हो गया। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? विकी कहाँ है? अबे ओ लड्डू, निकाल मेरे 2,000 रुपए, कब से टोपियां करा रहे? अभी बारी आएगी, अभी बारी आएगी, कब आएगी मेरी बारी? अरे क्या बकवास है ये, कौन सी बारी, कैसी बारी? आंटी हमने इसे 2,000 रुपए दिए थे, वो कौन सा बाल काटने वाला है? वो विकी। हाँ विक्की, और अब ये टोपियां करा रहे, आप देखे ना। अरे मैं पूछती हूँ कहाँ है विक्की, और ये सब क्या चल रहा है? चले बेटा आप अभी जाए, बाद में आइएगा। अरे बताते क्यों नहीं, क्या चल रहा है, कहाँ है विकी? क्या बात है भाई, ये क्या मजाक लगा रखा तुम दोनों ने, हैं? अरे तानी बेगम आप? हाँ मैं, क्यों, कोई एतराज है? मगर आप यहाँ क्यों हैं, क्या बात है? कुछ देर के बाद आप मुझे पहचानेंगे नहीं। क्यों, मेरी याददाश्त जाने वाली है क्या? नहीं नहीं ये बात नहीं है जी, अभी तो मुझ में आप एक खूबसूरत इंसान देख रही होंगी, कुछ देर के बाद मैं एक खूबसूरत लड़का बनने वाला हूँ। वाह भाई क्या बात है, प्यारे मियाँ मुझे लगता है आपके सर पर गहरी चोट लगी है, आप यहीं बैठे, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। नहीं जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, तुम दोनों हाथ बांध के क्या चोरों की तरह खड़े हो? कहाँ है वो हेयर स्टाइल करने वाला, उसे कहो भाई आए मेरे बाल बाल लगाए, ताकि मैं फिर से गा सकूं। कुछ लड़कियां देखे मुझे, मुझे तंग करे इस प्यार से, या, या। प्यारे मियां बंद करें अपनी ये छिछोरी हरकतें, लड्डू और गुलाम क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है जी, इस काम के पूरे 25,000 रुपए दिए मैंने इस लड्डू को, क्यों भाई बोलते क्यों नहीं? मैं कहती हूँ जवाब दें,
क्या चल रहा है ये सब कुछ? कहाँ है ये विक्की? भाग गया वो। मम्मी जी, हमने सोचा थोड़ी कमाई कर ले, इसीलिए दोस्तों से थोड़ा एडवांस पकड़ लिया, मगर विक्की तो सारे पैसे लेके भाग गया। क्या क्या भाग गया? मेरे 25,000 रुपए। अरे प्यारे मियाँ, आप तो चुप करें, ही लगा दिया। ये हनी कहाँ है? हनी नजर नहीं आ रही मुझे। हनी, हनी जल्दी आओ। हनी, क्या हुआ हनी? ये क्या हुलिया बना रखा है? वो हेयर स्टाइलिश नहीं था, बल्कि वो तो माली था। मेरे सारे बाल उड़ा गया वो। हाय अल्लाह, ये लोग कहाँ भाग रहे? अरे पकड़ा पकड़ा इनको। सुसर जी, ये फीके फीके खाने मेरे गले से उतरते नहीं है। बात सुनो, राशन खत्म हो गया है, ये रक्षा है। रक्षा? रक्षा नहीं, मैं रक्षे में बैठी रक्षी का पूछ रहा हूँ। ये रक्षी नहीं है, ये तेरी नई होने वाली माँ है। टेंस में कितनी कमजोर होती जा रही हो। आपसे बचेगा तो खाएगी ना बेचारी। मेरे प्यार को तू ओछी कह रहा है, तू भी अपने सुसर की तरह तकचानूसी बातें कर रहा है। ये बच्ची जो है ना, इन्होंने गोद ली है और ये लड्डू की बहन है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ है। साहब, दो दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ मदद कर दे साहब। मस्कंडी लग रही है मुझे, ज्यादा अच्छा चेहरा लग रहा है। बाबा, अगर मेरी बेटी गांव से यहाँ तक आ सकती है तो कहीं भी जा सकती है। आप जिस काम के लिए यहाँ है वो करे और निकल ले यहाँ से। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।